650 सीसी इंजन के साथ में रॉयल इनफील्ड ऑफर करता है चार मोटरसाइकिल, जिसमें की एक आती है शॉटगन 650। रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 रॉयल इनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 के प्लेटफॉर्म और इंजन को इस्तेमाल करके ही बनाई गई है, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें आपको सुपर मीटियोर के कंपैरिजन में अलग मिलेंगी। तो क्या कुछ आपको शॉटगन 650 के साथ में मिलने वाला है, किस कीमत पर ये मोटरसाइकिल आपको मिल रही है, सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे इंजन की, क्योंकि ये इंजन 650 सीसी का ट्विन सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है, जो आपको 47 पीएस की पावर देता है 52.3 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। 6 स्पीड गियरबॉक्स कंपनी यहां पर ऑफर करती है, और सेम इंजन आपको सुपर मीटियोर, इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चार मोटरसाइकिल है जो इस 650 सीसी इंजन के साथ में आती है। डिजाइन की बात करें तो इन चारों ही मोटरसाइकिल में सबसे ज्यादा प्रीमियम और गुड लुकिंग मुझे शॉटगन 650 लगती है। ऐसा क्यों? तो फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखो तो काफी जबरदस्त नजर आती है, और यहाँ पर आपको एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, और उसके ऊपर ये काउल लगाया गया है जो इसको एकदम डिफरेंट लुक देता है। सस्पेंशन भी देखोगे तो फ्रंट में आपको यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि शोवा के हैं, और 320mm का आपको बड़ा डिस्क ब्रेक मिलता है। और यहाँ पर जो अलॉय इस्तेमाल किया गया ना, इसका डिजाइन एकदम अलग है। ये डिजाइन आपने रॉयल इनफील्ड में अभी तक तो नहीं देखा होगा। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो सीएट के टायर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें आपको 100/90 सेक्शन का 18 इंच का ये ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर करती है। और ओवरऑल अगर आप फ्रंट से देखोगे तो इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है वो काफी जबरदस्त आपको मिलती है। साइड से भी ये बाइक आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगी। वजह, यहाँ पर आपको बड़ा 13.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, प्लस इंजन का साइज तो आपको जबरदस्त मिलता ही, और ट्विन सिलेंडर होने की वजह से यहाँ पर आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, यानी कि दोनों साइड पे ही आपको साइलेंसर नजर आते हैं। फुटपैक पोजीशन वगैरह जो है वो अलग है एकदम, स्पेशली सुपर मीटियोर से अगर आप कंपेयर करोगे। आगे मैं आपको बाइक के ऊपर बैठ के भी दिखाऊंगा। बाकी यहाँ अगर रियर व्हील में देखते हो तो यहाँ पर आपको 300mm का बड़ा डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, डुअल चैनल एबीएस कंपनी यहाँ ऑफर करती है, और रियर में आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं। अब जो इसकी सीट है ना, ये काफी खास है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल आपको सिंगल सीट बॉबर स्टाइल में भी मिलती है, और अगर आपको पिलियन सीट चाहिए तो इस तरह से जो पूरा सेटअप आप देख रहे हो ये लगाकर आप इसको डबल सीट पर भी बना सकते हो। और अगर आप पूरा सेटअप रख कर बाइक खरीदते हो और उसके बाद अगर आपको कभी सिंगल सीट चलना है, पीछे लगेज वगैरह कैरी करना है, तो यहाँ पर चाबी का इस्तेमाल करके आप इस सीट को बड़े आराम से यूं रिमूव भी कर सकते हो, और ये पूरा पार्ट जो है फिर आपका लगेज कैरियर का काम करेगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो पूरा ग्रैब हैंडल वगैरह है, और ये भी अगर आपको रिमूव करना है तो बस कुछ एक बोल्ट स्क्रूज आपको निकालने हैं और ये पूरा पार्ट भी आपका निकल जाएगा, और उसके बाद प्रॉपर सिंगल सीट बॉबर स्टाइल में आप इस बाइक को इस्तेमाल कर पाओगे। टेल सेक्शन की बात करें तो टेल से भी ये बाइक थोड़ी सी डिफरेंट आपको नजर आएगी। वजह, यहाँ पर जो पूरा लाइटिंग सेटअप है ये थोड़ा सा अलग आपको नजर आता है, इसकी पोजीशनिंग जो है थोड़ी सी ऊंची है, और पीछे आपको 150/70 सेक्शन का 17 इंच का टायर मिलता है। तो ये काफी चौड़ा टायर है जो आपको काफी जबरदस्त लुक और रोड प्रेजेंस तो देता है, साथ ही ग्रिप भी आपको काफी अच्छी देगा, और ये डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम आप देख सकते हो। अब सुपर मीटियोर से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है थोड़ा सा हाइट पे है, यानी कि ऊंचा है, जिसके चलते ये बाइक और भी ज्यादा अग्रेसिव और भी ज्यादा जबरदस्त लुक आपको ऑफर करती हुई दिखती है। अब यहाँ हैंडल बार स्विचेस वगैरह की बात करूं तो ये पूरा सेटअप वैसा ही है जैसा हमने सुपर मीटियोर में देखा है। हॉर्न, इंडिकेटर, पास, हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे आपको आगे इन्फो बटन मिलता है, इधर आपको इंजन किल स्विच मिलेगा, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और हैजार्ड बटन आपको मिलता है चारों इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर ये सेमी डिजिटल यूनिट आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर एनालॉग स्पीडोमीटर है, डिजिटल पार्ट के अंदर ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, तमाम जानकारियाँ आपको मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ट्रिपर नेविगेशन भी मिलता है, जिसमें आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोलर आईडी वगैरह भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। डायमेंशंस की बात करें तो ये मोटरसाइकिल 1465mm व्हील बेस के साथ में आती है, यहाँ पर जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वो 140mm का है, वजन इसका 240 किलोग्राम है, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफी हैवी मोटरसाइकिल है और काफी जबरदस्त रोड प्रेजेंस आपको देती है। सीट हाइट की बात करें तो लगभग 795mm की सीट हाइट आपको यहाँ पर मिलती है, और सिंगल सीट और डुअल सीट आप अपने हिसाब से इसको करा सकते हो। अब ये बाइक है तो सुपर मीटियोर के प्लेटफॉर्म पर ही, लेकिन इसकी फुटपैक पोजीशन को कंपनी ने अलग बनाया है। सुपर मीटियोर में काफी आगे आपके पैर जाते हैं, वो आपको शॉटगन में नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा सिटी के हिसाब से ज्यादा डिजाइन की गई है। जब आपको सिटी में ज्यादा चलना है तो वहां पर आप शॉटगन कंसीडर कर सकते हो, और कुछ ये सिटिंग पोजीशन आपको इसमें मिलने वाली है। अब ओवरऑल अगर देखें तो ये बाइक काफी डिफरेंट हो जाती है सुपर मीटियोर के कंपैरिजन में।
कीमतों की बात करें तो तीन वेरिएंट में आपको बाइक मिलती है, चार कलर ऑप्शंस हैं। कीमत शुरू होती है लगभग 3,60,000 रुपए से एक शोरूम, जो कि जाती है लगभग 3,73,000 रुपए तक एक शोरूम। हर एक वेरिएंट के हिसाब से आपको कलर वगैरह में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 के साथ में क्या कुछ ऑफर करता है मैंने आपको इस वॉक अराउंड वीडियो में बताया। जल्दी इस बाइक को चलाएंगे और चला के भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऑटो जंक्शन को, जिससे कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।